हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली एयरपोर्ट टू दरभंगा एयरपोर्ट, और हम लोग को आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। और अब मैं आज के ब्लॉग के बारे में बता दूं, आज का ब्लॉग स्पेशली होने वाला है किचन पे। एक्चुअली किचन का बहुत बुरा हाल है और मैं करूंगा आज किचन की सफाई। तो आप चल रहे हमारे साथ किचन, सबसे पहले चलते हैं देखते हैं क्या सिचुएशन है किचन का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे किचन की सफाई। लेट्स गो। ऊपर का भी बुरा हाल है, इधर भी बुरा हाल, यहाँ तो वैसे ही सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। सारी चीजों को हम लोग क्लीन करेंगे और ये बहुत ज्यादा डस्ट है। विंडो यहाँ खुला हुआ रह गया था जिसके वजह से पूरे रूम में डस्ट भर गया है। फ्रिज पे भी बहुत सारे डस्ट हैं, मतलब रोड साइड के होने की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रिज का क्या हाल है, सिर्फ पानी, थोड़ा सा सामान, घी, यही सब रखा हुआ है, बाकी नीचे का खाली किया हुआ है। तो चलिए, फ्रिज तो फिर भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा किचन कितना गंदा है। और खाना बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मुझे तो सफाई बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैं क्लीन करूंगा। देखते हैं मम्मी को क्या खाना है। क्लीन करते करते कुछ बनाते भी हैं, एक एरिया क्लीन हो जाएगा तो फिर बनाएंगे और बाकी फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हो रहा हूँ यहाँ पे बोर, तो सबसे पहले मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ ताकि काम करने में मुझे मजा आ जाए। Let's start. फ्रेंड्स, ये एरिया तो हो गया है क्लीन, मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप यहाँ के जितने भी डब्बे हैं सबको क्लीन करके मैं यहाँ पे एक लाइन से सजा दूंगा। काम करते करते यार बहुत जरूरी भूख लग गई, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाना भी बना लूँ, तब तक काम चलता रहेगा धीरे धीरे। मुझे पहले मैं दाल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दाल पसंद है। तो हल्की सी प्याज डाल के मैंने इसे फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसमें वाटर डाल के मैं बंद कर दूंगा ताकि खाने में थोड़ा टेस्टी लगे। तो भाई, ये है हमारा मसाला का डब्बा, तो मैं इसमें डालने वाला हूँ सॉल्ट एंड सम टर्मरिक। सॉल्ट डालने में अभी भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, पता नहीं कितना डालना है तो सही होगा नहीं होगा। आज भी मुझे सॉल्ट डालने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, सीरियसली। तो फाइनली दाल अब सीटी मारने के लिए तैयार हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे आलू वाला साउंड कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ आलू लाने के लिए। मुझे आलू की जरूरत है, घर पे कोई भी सब्जी नहीं है। 2 किलो दे दी तो हमको सुनाई दिया आलू है। हम आलू लेने के लिए आए हैं, निकला आम, तो चलो सही, आम ही सही। आलू बोल रहे हैं, हाँ बताइए भैया क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? मुझे जल्दी हो गया पूरा। देखिए ये अच्छा आम है, ये चाहिए हमको। 2 किलो? हाँ 2 किलो, 1.5 किलो दिए ना, 1/2 किलो और दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, काम करते करते गया हूँ मैं थक, अब मुझे लग गई बहुत जोरों की भूख, तो मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। जो मैंने आलू के नाम पे मैंगो खरीदा था वो ये मैंगो है। ये मैंने बनाई है दाल जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है, और मेरे पास है कुछ रोटी, फटाफट खा लेते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा काम हुआ कंप्लीट और मैंने अपने किचन को कर दिया है फुल एंड फाइनल। अब थोड़ा सा वाटर हो जाए, चीयर्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरी हालत तो देख ही रहे होंगे, मेरा कितना बुरा हाल हुआ है। और अभी रात के 3:20 हो चुके हैं और अब जाके मेरा सारा किचन का काम फिनिश हुआ है। तो चलते हैं, आपको दिखलाते हैं कि मैंने क्या क्या किया है आज। ओके लेट्स गो। ये हमारा एंट्री, मैंने इसकी अपर पार्ट्स को सारे को मैंने सजाया, उसके बाद मैंने
सारी चीज़ों को वॉश किया है, फ्रिज को भी मैंने क्लीन किया है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने सारी चीज़ें ला के रखी हैं शॉपिंग करके। फिर इस साइड जितने भी डब्बे हैं सारों को मैंने वॉश किया है, एंड वेपन साइड चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर एंड यूटेंसिल्स, यानी कि फुल एंड फाइनल सारी चीज़ें क्लीन हो गई है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने किचन को कैसे क्लीन किया, अब मैं इसमें कल से खाना बनाऊंगा अच्छे से। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।